बहुत ज्यादा बात कहने की नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये खेल शुरू हुआ है कि नहीं भाई परियोजना के बारे में कुछ मत कहो, 2021 में जिस समय रैणी की आपदा आई और उस समय के मुख्यमंत्री वहां आए, उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपदा आई है इस आपदा को विकास के खिलाफ प्रोपोगंडा के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 200 लोग तो नल में फंसे हुए थे, उन्होंने ये चिंता नहीं प्रकट की कि 200 लोगों का क्या होगा, 200 लोग कैसे निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, परियोजना के बारे में कुछ नहीं बोलना है। उस समय केंद्र के ऊर्जा मंत्री आए, उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि परियोजना पहले शुरू हो, 200 लोगों को बचाना उस समय भी प्राथमिकता नहीं थी। यहाँ इस पूरे इलाके में लोगों ने देखा, और सिर्फ इस इलाके में नहीं, वो जो रैणी की आपदा थी वो तो अखिल भारतीय आपदा थी। जोशीमठ के लोग, उत्तराखंड के लोग बड़ी तादाद में उसमें मारे गए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से लेकर के बिहार से बंगाल से उड़ीसा असम तक के लोग उसमें मारे गए। लेकिन तब भी सरकार की प्राथमिकता थी कि परियोजना बंद नहीं होनी चाहिए, परियोजना चलनी चाहिए। तो आज के दिन पर ये सवाल है कि ये शहर रहेगा, अब हम जहाँ खड़े हो गए हैं ये शहर रहेगा, हमारे घर मकान रहेंगे, हमारी नगरी रहेगी, हमारा जीवन रहेगा, या परियोजना रहेगी, ये दो में से एक, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, हम तो ये कहने आए हैं।